राम राम जी सबको। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग मेरे चैनल को सपोर्ट जरूर कर दीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जिससे कि आपको ऐसे डाइट प्लान और वर्कआउट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज वो प्री वर्कआउट और पोस्ट वर्कआउट के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए डिस्कशन करते हैं। तो प्री वर्कआउट में आप क्या कीजिएगा, वर्कआउट करने से पहले क्या लेना है जिससे कि आपका एनर्जी भरा रहे बॉडी में और अच्छे से आप जाके कॉन्सेंट्रेट होकर वर्कआउट परफॉर्म कर सकें। तो आप रात में सोने से पहले चना, मूंग और कुछ ड्राई फ्रूट्स जैसे पिस्ता बादाम हो गया, चिनिया बादाम हो गया, अंजीर हो गया, आप पानी में डुबोकर छोड़ सकते हैं और सुबह उठकर उसे खा लीजिए अच्छे से चबा के और जिम चले जाइए। बहुत ही बढ़िया एनर्जी रहेगा। पहला हो गया प्री वर्कआउट। दूसरा प्री वर्कआउट आप दही ले लीजिए, उसमें केला भी दे सकते हैं, ऐड कर सकते हैं और आलू भी ऐड कर सकते हैं, स्वीट पोटैटो, ठीक है, और नॉर्मल जो घर में आलू होता है वो भी ले सकते हैं, शकरकंदी दोनों ले सकते हैं, जो भी आपको मिल जाए। उससे आपको बहुत ही अच्छा खासा प्रोटीन मिल जाता है, सैचुरेटेड फैट मिल जाता है और कार्ब मिल जाता है। तो ये आपका कंप्लीट प्रोटीन सोर्स हो गया, जिससे कि आप लेके एनर्जी बहुत ही बढ़िया रहता है उससे और बल्क भी बहुत बढ़िया होता है। तो ये वो लोग खास करके ले सकते हैं जो लोगों का बॉडी में एनर्जी नहीं लगता है और पंप बढ़िया नहीं आता है और जो लोग बहुत दुबले पतले हैं। तीसरा बताते हैं। तीसरा आपका हो गया नॉर्मल, अगर कुछ भी घर में नहीं है तो किशमिश और आप मूंग या चना ये भी देखिए फुला के खा सकते हैं या नहीं भी है तो जो पहली बार जिम जा रहे हैं, एनर्जी नहीं लग रहा है, पहले जा चुके हैं मगर दूसरा दिन है नहीं लग रहा एनर्जी, तो सिर्फ केला और किशमिश को फूल केला को खा लीजिए और किशमिश को रात में फूलने के लिए दे दीजिएगा, उसको भी खा लेना है लेके, उससे आपका एनर्जी भी बहुत बढ़िया रहेगा। अब पोस्ट वर्कआउट, अब वर्कआउट करने के बाद बताते हैं कि क्या लेना है आपको। वर्कआउट करके आने के बाद आप बहुत ही बढ़िया से शेक बना सकते हैं, ठीक है, बनाना, उसमें चिनिया बादाम, पिस्ता बादाम, थोड़ा सा शहद और दूध एक गिलास लेके आप उसको शेक बना के पी सकते हो। उसमें आपको कंप्लीट प्रोटीन हो गया, विटामिन्स मिनरल्स वगैरह दूध में मिल गया आपको और कैल्शियम भी मिल गया दूध से, और केला से आपको आयरन अच्छा खासा मिल गया और पिस्ता बादाम से आपको सैचुरेटेड फैट वगैरह और प्रोटीन दोनों ही मिल गया। तो ये आपका कंप्लीट प्रोटीन सोर्स है जो कि आपका नीड को पूरा करता है, पहला। दूसरा, जो बाहर में रहते हैं इतना ज़्यादा एफर्ट नहीं कर पाते हैं तो वो लोग क्या करेंगे, वो लोग नॉर्मल चना का सत्तू में गुड़ देके या फिर शहद देके ले सकते हैं, जिससे कि आपका काब का भी सोर्स पूरा हो जाएगा और प्रोटीन के लिए तो बहुत ही बढ़िया चीज़ है, तो वो भी आप कर सकते हैं। तीसरा, अब क्या लें, तो आप फ्रूट्स ज़रूर ले लीजिए, फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स और फ्रूट्स दोनों को साथ में आप ले सकते हैं। अब बहुत कोई दूध नहीं लेता है, तो दूध नहीं लेते हैं तो कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, आप ड्राई फ्रूट्स और नट्स हो गया सारा कुछ ले लेना है आपको। और अपने डाइट में जो लोग बहुत दुबले पतले हैं वो लोग घी ज़रूर शामिल कीजिएगा, जिससे कि आपका बल्क बहुत ही बढ़िया होगा और वेट गेनिंग में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। तो चलिए प्री वर्कआउट पोस्ट वर्कआउट के बारे में आपको ऑप्शन दे दिया हूँ क्या लेना है। सारे को इंक्लूड नहीं करना है, कोई एक इंक्लूड करना है जो आपको अच्छा लगे, जो आपको इजी लगे। तो चलिए आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं, तब तक के लिए राम राम जी, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।